आ गए हैं खम्मा खानी रेस्टोरेंट में। तो आज का अभी लंच यहाँ पर होने वाला है, आइए चलते हैं खम्मा खानी। ये बिल्कुल लेक पे बना हुआ है और इसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी आप देखिए कैसा है। यहाँ पे बैठने के लिए नीचे जिसने बैठना है आराम से, उनके लिए दीवान वगैरह लगा रखे हैं और चेयर्स भी हैं। तो खाने में हमने मंगाया है फिश फिंगर, तो फिश फिंगर टार्टर सॉस के साथ ठीक था, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड। और साथ में मंगाए थे हमने चिकन की एक डिश, यहाँ का इसको कहते हैं मुर्ग डोंगर, ज़रूरत से ज़्यादा स्पाइसी था, जबकि हमने बोला था लेस स्पाइसी, पर आई थिंक ये डिश स्पाइसी होती है। फूड की जितनी तारीफ इसके बारे में हमने यहाँ पे सुनी थी खम्मा खानी की, हमें ओके ओके लगा। जगह अच्छी है, एम्बियंस अच्छा है यहाँ का, बाहर आप बैठ के लेक व्यू एंजॉय करिए और साथ में खाना खाइए। तो कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो यही है कि आप वहाँ के फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट। नेक्स्ट डे हम आए हैं निवेद्या बाय आमंत्रा, ये वेजिटेरियन थाली यहाँ पर होती है और बहुत ही टेस्टी खाना था। ये केयर और सांगरी है, राजस्थान वेजिटेबल स्पेशल। अच्छा, केयर सांगरी, ओके। जीरा आलू है, सलाद है, लहसुनी चटनी है जो गार्लिक चटनी होता है, गुलाब जामुन है, चूरमा है, दाल है, बाटी है, पनीर का सोयता है, मटा कड़ी है, पापड़ है, मटर मिर्च है, राइस है और ये मिर्ची रोटी है और तंदूरी रोटी। ये क्या है? इस्माइली। इस्माइली, ओके। हाँ, ये इस्माइली है, ठीक है। मिर्ची रोटी और ये तंदूरी रोटी, इसको इसके साथ मिला के खाना है। मैं आपको बना के बता रहा हूँ। हाँ। बाटी आपको प्लेट में क्रश करना है, पहले स्टार्ट बाटी से करेंगे आप। अच्छा, बाटी को पहले यहाँ प्लेट के अंदर, पहले खाना स्टार्ट बाटी से करना है, फर्स्ट स्टार्ट बाटी से करना है। अच्छा, ये थोड़ा बाटी जो है गर्म वीट का होता है, मोटा आटा होता है जिसको हम लोग रवा बोलते हैं। अच्छा, अपने जो आटा रोटी का आटा होता है जो बारीक होता है, ये थोड़ा मोटा होता है, इसको बाटी को क्रश किया। कच्चे आटे में घी डाला जाता है, इसको बनाने का तरीका जो है घी वाली होती है, तो कच्चे आटे में घी डालता है और काफी घी होता है। हाँ, अजवाइन ऐसा डाल के फिर वार्म वाटर, थोड़ा हल्का सा गर्म पानी, उसमें टाइट गोलना। अच्छा, बाटी को आपने क्रश कर लिया। वैसे बाटी का टेस्ट कैसा होता है बिना उसके दाल के? हाँ, देखो आप टेस्ट करते हैं, आप भी ले लो गरम है, थोड़ा छोटा पीस लीजिए। ये फ्राई किया जाता है? नहीं, ये हमने तंदूर में, ये कंडे पे बनता है। अच्छा। जो हमने गांव में कंडे होते हैं और ये हमने ओवन में बनाया है। अच्छा, अब इसमें दाल डालनी है? हाँ, मैं बताता हूँ। नहीं डालनी, ये डालनी, ये गार्लिक चटनी डालना है, ये वाली। अच्छा, ये इसके लिए है? हाँ, इसके लिए, इसमें आप ये डालेंगे। अच्छा, कश्मीरी मिर्ची है, बनाया हुआ है हाथ से, बनाया हुआ है। अच्छा, लहसुन और प्याज का डाल के हाथ से गार्लिक चटनी बनाया हुआ है और ये दाल डालना है। ओके, ये दाल डाल दिया हमने, पूरा डाल दिया। अच्छा, बहुत सारे जो लोग होते हैं इसके साथ में इसके साथ खाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मिक्स कर लिया। मैं इसको पूरा मिक्स कर देता हूँ आपको। ये जो दाल है सिल्के वाली दाल रहती है, बहुत सारी जगह आपको येलो दाल मिलेगा, पर बाटी के साथ में आपको सिल्के वाली ही दाल जमेगी और टेस्ट भी बनेगा। ठीक है, अब ये रेडी टू ईट है? हाँ, ये रेडी है। आपको, आपने एक थाली लिया है तो आपको शेयरिंग करनी है। अच्छा, हाँ, थोड़ा साफ लेंगे, थोड़ा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये राजस्थान ट्रेडिशनल फूड है। क्या नाम है आपका? राम राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ का खाना तो हमें सबसे बेस्ट लगा उदयपुर में, जो राजस्थानी थाली थी ये बहुत ही टेस्टी थी। आप जब कभी भी जाए तो ज़रूर विज़िट करिए। रात को हम आए हैं जगत निवास पैलेस होटल में और ये भी एक बहुत अच्छी हेरिटेज प्रॉपर्टी है लेक के पास। यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं, डांस हो रहा है और इसमें टॉप फ्लोर पे जो है वो रेस्टोरेंट है। यहाँ से देखिए सिटी पैलेस का व्यू कितना सुंदर लग रहा है।
ऊपर से रूफ टॉप पे बैठ के तो जो एम्बियंस है बहुत अच्छी है, लेक दिखाई देता है, साथ में सामने ताज दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे डिनर किया लेकिन डार्क अंधेरा होने की वजह से मैं पिक्चर ठीक से नहीं दे पाई हूँ, पर फूड वॉज गुड। ये अम्बराई रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भी हमने डिनर किया है और यहाँ का जो एम्बियंस है वो भी बहुत अच्छा है, लेक पर है ये और जो सामने के व्यू है बहुत सुंदर है, यहाँ से सिटी पैलेस ताज सब दिखाई देता है और खाना भी बहुत अच्छा था, यम्मी फूड था, एक्सलेंट फूड। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।